अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी गरम मसाला पाउडर। ये होममेड गरम मसाला पाउडर है। आप इसे 5 से 6 महीने भी रखकर इस्तेमाल करेंगे अगर आप इसे मेरे तरीके से बनाएंगे तो। इसके लिए मुझे 2 टेबल स्पून दालचीनी चाहिए। मैंने इसे दालचीनी को तोड़ लिया है और ये 1/2 टीस्पून जायफल है, इसे भी मैंने बारीक तोड़ लिया है। ये शाहजीरा है 1 टीस्पून और ये 2 टेबल स्पून भर के ज़ीरा। और ये बड़ी इलायची है इसमें 4 और ये जावित्री है 2 और स्टार फूल 2 लिए थे मैंने, उसको भी तोड़ लिया है। और 1 टीस्पून काले मिर्च है और 1 टीस्पून लौंग है और हरी इलायची है 1 टीस्पून, वही 15 से 20 है। और ये 5 टेबल स्पून अखा धनिया है और ये तेज़पत्ता है 4 से 5। अब मैं फ्राई पैन गरम कर लूँगी और फ्राई पैन में मैं अखा धनिया को भून लूँगी। हमें अखा धनिया को एकदम स्लो फ्लेम पर भूनना है और इसे जलाना नहीं है, इसे अच्छी तरह हिलाते हुए हमें भून लेना है। गरम मसाले को अगर हम भूनते हैं पीसने से पहले तो हमारे गरम मसाले को हम 5 से 6 महीने भी रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होता। हम इसीलिए इसे हल्का भून लेते हैं। अब मैं उसी पैन पे ये गरम मसाले भून लूँगी, जैसे ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, इलायची, हरी इलायची, जायफल, जावित्री और स्टार फूल और तेज़पत्ता। ये हमें इसे भी एकदम हल्की आंच पे भूनना है, गरम मसाले को हमें जलने नहीं देना है, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और इसे भूनने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा हमें, बस ये 2 मिनट में ही भून जाएगा। देखिए गरम मसाला भी भून गया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी और इसे अच्छी तरह ठंडा करूँगी और ठंडा होने के बाद ही मैं इन सब चीज़ों को पीसूँगी। अब मैं मिक्सर जार लूँगी और उसमें अखा धनिया शामिल कर दूँगी। अभी मैं इसमें 4 टेबल स्पून अखा धनिया शामिल करूँगी। अब मैं इसमें ये भुना हुआ गरम मसाला शामिल करूंगी। अब मैं इसे बारीक पीस लूंगी। हम इसे एकदम बारीक पीसेंगे। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून अखा धनिया और शामिल कर दिया था और इसे एकदम बारीक पीस लिया। आप चाहे तो इसे छान भी सकते हैं पर मैं इसे नहीं छानती हूँ, ऐसे इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये एकदम बारीक पीस चुका है। देखिए हमारा होममेड गरम मसाला तैयार हो गया है और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप लोग भी इसे अपने घर पर बनाइए बजाय कि आप बाहर से रेडीमेड ख़रीद के लाए। बस हमें थोड़ी सी मेहनत लगती है पर ये बहुत अच्छा पीस के तैयार हो जाता है और हमें 5-6 महीने की फुर्सत हो जाती है गरम मसाला पीसने के लिए। आप लोग मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।